और इस वक्त देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पीएम की सुरक्षा को लेके, ये बड़ी बात है। पीएम की सुरक्षा को लेके हम गंभीर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तमाम दलीलें सुनने के बाद। और राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर विचार करे, क्यों ना राज्य और केंद्र की कमेटी को अपनी अपनी जांच करने दी जाए, यानी कि जो सेपरेट जांच इस वक्त राज्य और केंद्र की तरफ से की जा रही है उसे करने क्यों ना दिया जाए। ये कहा है अपनी बात में सुप्रीम कोर्ट ने, और राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर विचार करे, गंभीर बताया है पीएम की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो दलीलें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही हैं, उसके बाद पहली दलील सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, और साथ ही यह भी कहा है कि क्यों ना राज्य और केंद्र की कमेटी को अपनी अपनी जांच करने दी जाए। पीयूष, क्यों ना राज्य और केंद्र की कमेटी को अपनी अपनी जांच करने दी जाए, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि अब केंद्र अपनी जांच करे, राज्य ने जो अपनी कमेटी गठित की है, जो कहा भी जा रहा था पंजाब सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी भी एक जांच चल रही है, तो ये कोर्ट अब कह रहा है कि दोनों तरफ से जांच जारी रह सकती है। जी देखिए पूर्णिमा, मैं आपको बता दूं, ताजा अपडेट आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उसमें कहा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो इस मामले में जो रिकॉर्ड हैं उनको सुरक्षित रखें, सभी केंद्र की एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस का सहयोग लेकर के इस मामले में आगे जांच करने को कहा है, और सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से चल रही जांच, जो कमेटी बनाई गई है, और पंजाब सरकार की ओर से जो जांच के लिए कमेटी बनाई गई है उसकी जांच पर कोई भी रोक नहीं लगाई है, और उस जांच को जारी रखते हुए सीधे तौर पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए कहा है। और ये फाइनल आदेश है पीयूष, ये फाइनल फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो रुख फिलहाल। जी नहीं समीर, ये फाइनल फैसला नहीं है, ये एक अंतरिम आदेश है, और इस मामले पर अगली सुनवाई अंतरिम आदेश है पीएम की सुरक्षा के मामले में, आप सोमवार को सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हमें दे रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों की जांच में पंजाब पुलिस सहयोग करे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, केंद्रीय एजेंसियों की जांच में पुलिस सहयोग करे, यानी एक तरह से पंजाब पुलिस के लिए ये ताकीद की है देश की सबसे बड़ी अदालत ने कि पंजाब पुलिस पूरा सहयोग करे तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो जांच चल रही है उसमें। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, पीयूष पांडे हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।